आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक बुक का प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फाइल, न्यू, ब्लैंक डाटाबेस, हम यहाँ बुक के नाम से ही इसे सेव कर रहे हैं। बुक का क्रिएट, अब ये बन गया। अब हम इसमें एक न्यू टेबल बना रहे हैं। टेबल्स हम डिजाइन से बना रहे हैं, टेबल डिजाइन से। क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे, टेबल डिजाइंस। टेबल डिजाइंस में सबसे पहले हमने फील्ड लिया है बुक आईडी। अब अगर हम बुक आईडी के बीच में गैप देंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। इसके लिए हम यहाँ पर अंडरस्कोर लगाते हैं शिफ्ट के साथ, ये माइनस अंडरस्कोर आईडी, बुक आईडी। बुक का आईडी हम टेक्स्ट में लिखते हैं, इसलिए टेक्स्ट यहाँ पर हमने लिख दिया। बुक की हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, आईडी। इसी तरीके से नेक्स्ट फील्ड दे रहे हैं हम टाइटल, कि बुक का हमारी टाइटल क्या है, वो भी हम टेक्स्ट फील्ड में दे रहे हैं। यहाँ हमने लिख दिया बुक का टाइटल डिस्क्रिप्शन में। अब नेक्स्ट हम दे रहे हैं ऑथर का नेम, ऑथर का नेम भी टेक्स्ट में। यहाँ पर भी हमने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, बुक का ऑथर। नेक्स्ट हमने दिया है नंबर, यहाँ पर हम अंडरस्कोर लगाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस, कि बुक में कितने पेजेस हैं। अभी हमारे नंबर्स में होते हैं तो एन, अभी यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम, नंबर ऑफ पेजेस, कि बुक में कितने पेजेस हैं। नेक्स्ट हम इसमें दे रहे हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी हमारा टेक्स्ट में, कि किस सब्जेक्ट की बुक है, बुक का सब्जेक्ट। क्योंकि हम बुक का प्रोफाइल बना रहे हैं इसीलिए हम इस टेबल को बुक प्रोफाइल के नाम से ही सेव कर रहे हैं। यस, अब यहाँ बुक प्रोफाइल पर डबल क्लिक करेंगे। अब हमने बुक की आईडी, बुक का आईडी का कोई भी एक नंबर फिल कर देंगे। बुक का टाइटल, हम जैसे कि बुक का नेम दे रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर वर्ल्ड, बुक का ये हमारा टाइटल हो गया वर्ल्ड। यहाँ पर हम ऑथर्स का नेम दे रहे हैं बुक के, GAURAV गौरव। नंबर ऑफ पेजेस, बुक में मीन्स हमारे 200 पेजेस हैं। सब्जेक्ट्स का क्या, सब्जेक्ट्स है। ओके, नेक्स्ट हम टैब के किससे आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम सेकंड बुक का आईडी नंबर दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट हम बुक का टाइटल दे रहे हैं ई कनेक्टेड। इसके बाद हम यहाँ पर भी बुक का इसका ऑथर का नेम दे रहे हैं, सॉरी है। इसके बाद हम यहाँ पर बुक के पेजेस 150 और सब्जेक्ट दे रहे हैं। इस तरीके से हम बुक का प्रोफाइल इसमें तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर हम सेव करेंगे। अब देखिए टेबल वन पे क्लिक करेंगे, हमने कुछ नहीं बनाया था लेकिन बुक प्रोफाइल में हमने इसका बुक का प्रोफाइल सेव किया है, तो हम जितने रिकॉर्ड फिल करेंगे उसको ये शो कर देगा। अब कल हमने इसमें जिससे फॉर्म बनाई थी, तब हम फॉर्म के लिए क्या करेंगे, फॉर्म पे क्लिक करेंगे। और देखिए इसने एक बुक का प्रोफाइल दिखाया, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट बुक का प्रोफाइल दिखाएगा। ये तो गया हमारी फॉर्म। अब हम दूसरा इसमें प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लाइब्रेरी रजिस्टर। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल डिजाइंस, तब यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, बुक का आईडी। नेक्स्ट हम दे रहे हैं कि बुक हमारी उसमें अवेलेबल है लाइब्रेरी में या फिर नहीं है। अब क्योंकि बुक अवेलेबल है या नहीं है, इसके लिए हम लॉजिकल फील्ड लगाते हैं। लॉजिकल फील्ड में ये इस तरीके से आएगा, यहाँ हम लिखेंगे यस आई विल, इन द वैल्यू हम विल वैल्यू को टाइप कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने दो वैल्यू टाइप करी है, एक यस बुक अवेलेबल है और एक बुक अवेलेबल नहीं है, नो। फिनिश, यहाँ पर हमने लिख दिया अवेलेबल। अवेलेबल
इसके बाद नेक्स्ट फील्ड दे रहे हैं कि हमने बुक जो इशू करी है वो किस डेट में इशू करी है इशू, क्योंकि वो डेट का फॉर्मेट है तो यहाँ डेट लेंगे हम बुक के इशू की डेट। नेक्स्ट फील्ड हम इसमें दे रहे हैं डेट ऑफ रिटर्न कि वो बुक किस डेट में रिटर्न करेगा। इसको भी हम डेट के फॉर्मेट में देंगे बुक रिटर्न। अब सेव, क्योंकि हमें लाइब्रेरी का रजिस्टर बना रहे हैं तो इसको हम लाइब्रेरी के नाम से ही सेव कर रहे हैं लाइब्रेरी रजिस्टर। यस, अब यहाँ लाइब्रेरी रजिस्टर पर डबल क्लिक करेंगे। अब बुक की आईडी जैसे हमारे पहले फिल की थी हमने, बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है या नहीं। यस, किस डेट को हमने इशू करी है 22 जुलाई 2020। इसके बाद वो बुक किस तारीख को रिटर्न करेगा, मीन्स वो 27 तारीख को उसको रिटर्न करनी है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस डेट को तो उसने बुक इशू कराई है और उस डेट को बुक रिटर्न करेगा। इसी तरह हम बुक का दूसरे एक बुक का आईडी डाल लें, ये इस वाली बुक की आईडी की बुक हमारी प्रेजेंट है या नहीं, यस या नो, दोनों ही चीज़ ले लेगा। वाई लिखेंगे तो यस और नो लिखेंगे एन लिखेंगे तो नो, जैसे हमने यस दिया है। अब फिर किस डेट को बुक उसने इशू कराई है हमारी 21 जुलाई, अब वो रिटर्न कब करेगा 28 जुलाई को। इस तरीके से हम बुक का एक बुक का हमने प्रोफाइल बनाया है, सेव करेंगे पहले इसे, एक बुक का प्रोफाइल बनाया है और एक हमने लाइब्रेरी रजिस्टर का प्रोफाइल बनाया है। इस तरीके से हम इसमें कंप्यूटर में कोई भी रिकॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रख सकते हैं।